हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप भी इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए फाइनल रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को बायोलॉजी के सभी चैप्टर से चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण VVI प्रश्नों का डिस्कशन कराया जा रहा है। अगर आप लोगों को अभी भी बायोलॉजी में डर लग रहा है तो इस वीडियो सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि 100% प्रश्न इसी सीरीज से आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकॉन है उसे बजा दें, ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में हम लोग चैप्टर वन से सभी प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उसका डिस्कशन करेंगे। चैप्टर वन का नाम है जीवधारियों में जनन। तो ये रहा आप लोगों के सामने आज के क्लास का क्वेश्चन वन। कहा जा रहा है निम्नलिखित किस में पादप काय अगुणित होता है, निम्नलिखित किस में पादप काय अगुणित होता है, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स या इनमें से सभी। ध्यान देंगे, कहा जा रहा है निम्नलिखित किस में पादप काय अगुणित होता है, तो याद रखेंगे शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स ये सभी में पादप काय अगुणित होता है। याद रखेंगे शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स ये सभी में पादप काय अगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अदरक, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो याद रखेंगे राइजोम, राइजोम, राइजोम के द्वारा अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंद, कंद किसका रूपांतरण है, कंद किसका रूपांतरण है, तो याद रखेंगे जड़ का, किसका रूपांतरण है कंद, तो जड़ का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काजू, काजू निम्नांकित में कैसा फल कहलाता है, काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है, तो याद रखेंगे नट, नट फल कहलाता है। काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है, तो नट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेम्यूल्स, नेम्यूल्स निर्माण किस में होता है, नेम्यूल्स निर्माण किस में होता है, तो याद रखेंगे स्पंज में, किस में होता है बाबू स्पंज में, याद रखेंगे नेम्यूल्स निर्माण किस में होता है स्पंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से, निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है, निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है, तो याद रखेंगे मेढक, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईस्ट में, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस प्रकार के होते हैं, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस प्रकार के होते हैं, तो मुकुलन के द्वारा, याद रखेंगे मुकुलन के द्वारा ईस्ट में प्रजनन होते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो सीरीज को अंत तक देख लिया तो मुझे पूरा आशा है आप लोग इस बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न को गलत नहीं करके आएंगे, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर बन रहे हैं। और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ध्यान देंगे इस वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी लोग को इस क्लास का फायदा मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही है यह क्लास क्विक रिवीजन है, आप लोग बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का रिवीजन कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है युग्मक, युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं, युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं, तो हैप्लोइड, याद रखेंगे हैप्लोइड जिसको एक गुणक भी कहते हैं, युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं, तो हैप्लोइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, तो 31, याद रखेंगे 31। अगर आपसे पूछा जाए 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, तो 31 31। आप लोग के बीच जल्द से जल्द हम
प्रश्नों का रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि कम समय में आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का रिवीजन कर सके और बोर्ड एग्जाम में सही सही बनाकर आए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भ्रूणपोष, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो थ्रियन, याद रखेंगे भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो थ्रियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे अलैंगिक जनक। क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। अगर आप लोग चाहते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करना तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जुड़कर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज के क्लास में लोग चैप्टर 1 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बढ़ रहे हैं सभी का रिवीजन करेंगे। तो आगे बढ़ रहे हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, कहा जा रहा इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एंटीपोडल्स या द्वितीयक केंद्रक? बताइए इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो याद रखेंगे द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक है जो नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। आप लोगों को जो बीच क्वेश्चन है वे बहुत ही महत्वपूर्ण और भव्य प्रश्न है, इसलिए आप लोग जरूर देखें, अंत तक जरूर जुड़े रहे, रिवीजन कर लेंगे तो आपसे एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा इस बोर्ड एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, कहा जा रहा है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग इस क्लास को ध्यान से सुनेंगे तो भी फायदा करेगा, इसलिए आप लोग जरूर जुड़े रहे बाबू। अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है? मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है तो कितनी होती है? 46। अगर आपसे पूछे कितनी जोड़ी होती है तो 23। ध्यान देंगे मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ या सभी? तो याद रखेंगे मुर्गी, सांप, मगरमच्छ ये सभी अंड प्रजक प्राणी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन डी। याद रखेंगे मुर्गी, सांप, मगरमच्छ ये सभी अंड प्रजक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कहा जा रहा है निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? पपीता, सरसों, मक्का, गुड़हल? याद रखेंगे पपीता है जो उभयलिंगी पादप नहीं है। याद रखेंगे पपीता है जो उभयलिंगी पादप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? जोंक, केंचुआ, फीता कृमि, घरेलू मक्खी? तो याद रखेंगे बाबू घरेलू मक्खी है जो उभयलिंगी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। याद रखेंगे कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो घरेलू मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो इन विट्रो। याद रखेंगे इन विट्रो कहते हैं शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को। याद रखेंगे शरीर के बाहर
होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं। अगर आप लोग को यह क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, आप लोग भी हमें सपोर्ट करें। जल्द ही आप लोग के सामने हिंदी का भी क्विक रिवीजन लाया जाएगा, सभी विषय का क्विक रिवीजन लाया जाएगा आप लोग के सामने। अगर आप लोग जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतने ही आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा क्लास लेकर आया जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुकुलन, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? क्वेश्चन नंबर 19, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ईस्ट में। याद रखेंगे, मुकुलन के द्वारा जनन किस में होता है? तो ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्रदूषण का सूचक है क्या? SO2 प्रदूषण का सूचक क्या है? तो लाइकेन। याद रखेंगे, SO2 प्रदूषण का सूचक क्या है? लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण और भव्य प्रश्न है, बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? तो जलकुंभी को। याद रखेंगे, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जलकुंभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे परिवर्तन जो लार्वा को व्यस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? वे परिवर्तन जो लार्वा को व्यस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो कायांतर। याद रखेंगे, कायांतर कहलाते हैं। वे परिवर्तन जो लार्वा को व्यस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? कायांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शल्ककंद, शल्ककंद का एक उदाहरण है, शल्ककंद का एक उदाहरण है क्या? प्याज। याद रखेंगे, प्याज है जो शल्ककंद का एक उदाहरण है। आप लोग जितने भी प्रश्न देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप लोग इस वीडियो सीरीज को पूरा देख लेते हैं तो आप लोग को एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस सीरीज को जरूर देखें और दोस्तों पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, कितनी होती है बाबू? 4000। याद रखेंगे, 4000। जो भी स्टूडेंट अगर इस क्लास में सुन भी रहे हैं, इस क्लास को अगर ध्यान से सुन भी रहे हैं तो मुझे पूरा आशा है आप लोग एक भी प्रश्न को गलत नहीं करके आएंगे। अगर आप लोग को देखने में कठिनाई हो रही है तो एयरफोन लगाकर आप लोग इस क्लास को ध्यान पूर्वक जरूर सुने, बार बार करें, जरूर सुने, पूरे अंत तक सुने, आप लोग को बहुत ही फायदा मिलने वाला है इस रिविजन सीरीज से। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज हम लोग चैप्टर 1 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे सभी का डिस्कशन करने वाले हैं। कहा जा रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 25, क्रमिक विकास में योगदान है किनका? तो परपरागण का। याद रखेंगे, परपरागण का योगदान क्रमिक विकास में है। याद रखेंगे, क्रमिक विकास में योगदान किसका है? परपरागण का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बाबू, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकते हैं? कहा जा रहा है जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकते हैं? तो 8 माह में। याद रखेंगे, 8 माह में जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा समय, कितने माह में जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे निर्माण कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं? तो 8 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कलिकारोपण एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? कलिकारोपण। तो याद रखेंगे, कायिक जनन का एक उदाहरण है। याद रखेंगे, कायिक जनन किसका उदाहरण है? तो कलिकारोपण का एक उदाहरण क्या है बाबू? कायिक जनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहां होता है? मानव मादा में अंडे का निषेचन कहां होता है? तो याद रखेंगे, फैलोपियन नलिका में। याद रखेंगे बाबू, फैलोपियन नलिका में मादा में अंडे का निषेचन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फैलोपियन नलिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 16। याद रखेंगे, प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैनेडियम, कैनेडियम का निर्माण किस में होता है, कैनेडियन का निर्माण किस में होता है, तो पेनिसिलियम, याद रखेंगे पेनिसिलियम में निर्माण होता है कैनेडियम का, याद रखेंगे। आपसे अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि कैनेडियम, कैनेडियम का निर्माण किस में होता है, तो आप उत्तर देंगे पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में होता है कैनेडियम का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक, प्राकृतिक अनिषेक जनन, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है मधुमक्खी में, याद रखेंगे प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है किसमें, मधुमक्खी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी बायोलॉजी से डर रहे हैं तो आप लोग उन पर जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग भी कम से कम समय में पूरे बायोलॉजी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं सभी का रिवीजन कर पाएं। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कहा जा रहा है बाबू जिन प्रकंद, जिन प्रकंद का एक उदाहरण है क्या, अदरक, याद रखेंगे जिन प्रकंद का एक उदाहरण क्या है, अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, सोच सकते हैं बाबू निम्नलिखित में से कौन है जो एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, तो वह क्या है बाबू, बांस, बांस है जो अपने जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, बांस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडाणु बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंड प्रजनन, क्या कहते हैं, अंड प्रजनन, अंडाणु बनने की क्रिया को अंड प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के क्लास में चैप्टर वन से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सभी का डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए क्लास कुछ लंबा होने वाला है, आप लोग अंत तक जरूर जुड़ रहे हैं बाबू। अगर आप लोग देखने में परेशानी हो रहा है देखने में, तो आप लोग एयरफोन लगाकर कम से कम इस क्लास को जरूर सुने, मुझे पूरा आशा है आप लोग को बहुत ही फायदा मिलने वाला है इस क्लास से, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़ रहे हैं। बताइए कौन, कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, कौन ठहरे हुए पानी अर्थात स्थिर पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, तो जलकुंभी, याद रखेंगे जलकुंभी है जो ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। आप लोगों को मालूम है कि बायोलॉजी में कुल 16 लेसन है, आप लोगों को सभी लेसन, सभी लेसन का क्विक रिवीजन कराया जाएगा, इसलिए आप लोग भी हमें सपोर्ट करें ताकि सभी लेसन का क्विक रिवीजन लेकर आए बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है किसमें, किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है, किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है, तो नीला कुरंजी, याद रखेंगे नीला कुरंजी में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है, किसमें बाबू, नीला कुरंजी, नीला कुरंजी में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडाशय से, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग कहते हैं बाबू, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विनिषेचन, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, तो भ्रूणपोष, याद रखेंगे द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, भ्रूणपोष। आगे बढ़ते हैं मानव युग्मकों, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ी, 23 जोड़ी होती है मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या। आप लोग इस वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बाबू, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि इसी तरह से रिवीजन सीरीज लेकर आते रहें, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो लिंक को शेयर करें और अंत तक जरूर जुड़े रहें। अगर आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग एयरफोन लगाकर कम से कम इस लाइव क्लास को, इस क्लास को सुने, अगर एक बार सुन लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगी, इसलिए आप लोग अंत तक जुड़े रहें और सभी क्लास को जरूर देखें जितने भी रिवीजन सीरीज लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिन, जिन अनियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनाता है,
जीन अनियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनाता है? तो याद रखेंगे जीवाणु से। किससे बनाता है? जीवाणु से। जीन अनियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनाता है? तो जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे जरायुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जरायुज। याद रखेंगे जो जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं वे क्या कहलाते हैं? जरायुज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिरोंटोलॉजी, जिरोंटोलॉजी में किनका अध्ययन होता है? जिरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एजिंग का। किसका अध्ययन होता है? एजिंग का। याद रखेंगे जिरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एजिंग का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगैव, अगैव में वर्ध प्रजनन होता है किसके द्वारा? अगैव में वर्ध प्रजनन होता है किसके द्वारा? तो बुलविल के द्वारा। याद रखेंगे बुलविल के द्वारा अगैव में वर्ध प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मक्का, मक्का के अर्धसूत्र अर्थात टूएन में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मक्का के अर्धसूत्र टूएन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे सात। सात होती है मक्का के अर्धसूत्र में गुणसूत्रों की संख्या। हम लोग जो क्लास देख रहे हैं वह चैप्टर वन से है। चैप्टर वन से जितने भी प्रश्न पढ़ रहे हैं सभी का डिस्कशन आज के क्लास में कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू बिना निषेचन, बिना निषेचन फल का निर्माण कहलाता है क्या? बिना निषेचन के फल निर्माण क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे अनिषेक जनन। अनिषेक जनन कहलाता है बिना निषेचन के फल निर्माण। याद रखेंगे बिना निषेचन का फल निर्माण अनिषेक जनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन की क्रिया किसमें होती है? पुनरुद्भवन की क्रिया किसमें होती है? तो स्पंजों में। याद रखेंगे स्पंजों में पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। पुनरुद्भवन की क्रिया किसमें होती है? स्पंजों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू गेमा द्वारा, गेमा द्वारा प्रजनन होता है किसमें होता है? गेमा द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो कुछ बड़ायो फाइटा में। याद रखेंगे कुछ बड़ायो फाइटा है जिसमें गेमा द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुत्ता का संभावित जीवन काल क्या होता है? कुत्ता का संभावित जीवन काल क्या होता है? तो याद रखेंगे 20 वर्ष। कुत्ता का संभावित जीवन काल क्या होता है? 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन एंथ्रेसिस, एंथ्रेसिस की परिघटना संबंधित है। एंथ्रेसिस की परिघटना संबंधित है तो याद रखेंगे एंथ्रेसिस की परिघटना पुष्प कलिका का खुलने से संबंधित है। याद रखेंगे पुष्प कलिका का खुलना, एंथ्रेसिस की घटना किससे संबंधित है? तो पुष्प कलिका का खुलना से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आलू के कंद में, आलू के कंद में आंखें होती है, आलू के कंद में आंखें होती है कच्छस्थ कलिकाएं। याद रखेंगे आलू के कंद में आंखें क्या होती है? तो कच्छस्थ कलिकाएं आंखें होती है बाबू। आलू के कंद में आंखें क्या होती है? कच्छस्थ कलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, उसमें आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आलू में, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे जड़ के द्वारा, जड़ के द्वारा आलू में कायिक संचरण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिना निषेचन, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं पार्थेनोकार्पिक। याद रखेंगे पार्थेनोकार्पिक कहते हैं बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सियोन, सियोन शब्द का संबंध किससे है? सियोन शब्द का संबंध किससे है? तो ग्राफ्टिंग से, ग्राफ्टिंग से सियोन शब्द का संबंध है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्च श्रेणी के पौधे में अर्धसूत्रण किस समय होता है? उच्च श्रेणी के पौधों में अर्धसूत्रण किस समय होता है? तो याद रखेंगे मैं युग्मक बनते समय, युग्मक बनाते समय उच्च श्रेणी के पौधों में अर्धसूत्रण होता है। अगर आपसे पूछे उच्च श्रेणी के पौधे में अर्धसूत्रण किस समय होता है? तो युग्मक बनाते समय।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं बाबू। अगर यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसी तरह से हम लोग सभी विषय का क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आए और आप लोग कम से कम समय में पूरे चैप्टर का रिवीजन कर पाए। तो कहता है बाबू तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है, तो 140 वर्ष। याद रखेंगे तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है, 140 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द्विखंडन, द्विखंडन किस में पाया जाता है, द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो याद रखेंगे अमीबा तथा पैरामीशियम में, अमीबा तथा पैरामीशियम में द्विखंडन पाया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन है, जब नर और मादा गैमिट होता है तब यह क्या कहलाता है, जब नर और मादा गैमिट होता है तब यह क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। तो आज हम लोग चैप्टर 1 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने सभी का डिस्कशन किए जो कुल 5 पेज में थे, हम लोग इसी तरह से बायोलॉजी का क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो सभी विषय से इसी तरह से क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे जो जल्द से जल्द आपको सभी चैप्टर से रिवीजन करवा देगा। तो अगर यह क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट करें कि यह क्लास कैसा लगा। और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उससे बजा दें ताकि आप तक क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, शुभ रात्रि।